आज दिनांक 30 जून 2022 को धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हूल दिवस के अवसर पर क्रांति दिवस के रूप में मनाई गई। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक हूल दिवस पर झारखंड के अमर शहीदों सिद्धो कानो, चांद भैरव और फूलो छानो सहित सभी वीरों के तैलचित्र पर माल्यार्पण अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उक्त अवसर पर जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि भारतीय इतिहास में सिपाही विद्रोह देश के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि थी। 30 जून 1855 को सिद्धू कानों के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उक्त आंदोलन का बिगुल फूका गया। हूल दिवस को क्रांति दिवस के रूप में मनाई जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई का नेतृत्व सिद्धू कान्हों की अगुवाई में संथालों ने मालगुजारी लगान नहीं देने के साथ ही अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया। उक्त आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सिद्धू कान्हों, चांद भैरव, फूलो छानो के साथ अनगिनत आंदोलनकारियों ने मजबूती के साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मुकाबला कर अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उक्त आंदोलन में अनगिनत आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी। इन्हीं शहीदों की याद में हूल दिवस को क्रांति दिवस के रूप में मनाई जाती है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से AICC सदस्य मदन महतो, योगेंद्र सिंह योगी, मनोज यादव, डॉक्टर DK सिंह, पप्पू कुमार तिवारी, कामता पासवान, सत्यानंद पांडे, रवि रंजन सिंह, अजय कुमार पांडे, महेश शर्मा, अशोक महतो समेत दर्जनों कांग्रेसजन मौजूद थे। हमारे झारखंड के सिद्धू कान्हू जी देश जो आज़ाद 1947 में हुआ, लेकिन झारखंड के संथाल प्रगना के हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बिगुल फूकने वाले 1855 में ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन 1857 में बिगुल फूका गया था, लेकिन झारखंड के संथाल प्रगना के हमारे रहने वाले जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग तो नहीं लिया, लेकिन बिगुल इन्हीं लोगों के द्वारा फूका गया। आज पूरा झारखंड सिद्धू कान्हू पे नाज है। हम लोगों को पूरे राज्य का, पूरे देश में सिद्धू कान्हू जी के ऐसा अगर आदमी रहता तो हम 100 साल पहले अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिए होते। आज हम यहाँ धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोग सभी लोग मिलकर उनको नमन करते हैं। और आज देश में सिद्धू कान्हू जी के ऐसे ही आदमी की ज़रूरत है कि देश में जो हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से चाइना, पाकिस्तान और दूसरे देश जो हमारे हिंदुस्तान को आंख दिखाने का जुर्रत कर रहे हैं, हमको सिद्धू कान्हू बनना पड़ेगा और तब हम देश की रक्षा कर सकते हैं। और आज का दिन संकल्प लेने का है कि हम लोगों को भी सिद्धू कान्हू के रास्ते पे ही, और उन्होंने जो किया देश के लिए, हम अगर करते हैं तो कोई भी पूरे दुनिया का देश, कोई भी हिंदुस्तान को आंख दिखाने का जरूरत नहीं करेगा। आज हम लोग कोटि कोटि हम नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।